दोस्तों मैं सिमरन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल माय भारत। तो दोस्तों आज हम जिस कलाकार की बात करने वाले हैं उन्हें इंडिया में मार्शल आर्ट्स के हीरो के नाम से जानते हैं और इनके बेहतरीन स्टंट से इनके फैंस भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। 2013 में रिलीज हुई फिल्म कमांडो में इनके बहुत सारे स्टंट थे जो इन्होंने बिना किसी स्टंट मैन की सहायता से किए हैं। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने, यहाँ विद्युत जामवाल की ही बात हो रही है। वीडियो में हम विद्युत के जीवन के सुने कुछ अनसुने किस्सों के बारे में बात करेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नई बायोग्राफी आएगी या वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। विद्युत जामवाल का जन्म 10 दिसंबर 1980 को जम्मू के एक राजपूत परिवार में हुआ था। ये कश्मीर के राजा डोगरा राजपूत राजा हरि सिंह के वंशज हैं। विद्युत जामवाल के पिता भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। इसके चलते अपने पिता के नियमित स्थानांतरण के कारण पूरे भारत की यात्रा की है। जामवाल ने 25 से अधिक देश की यात्रा भी की है। इनकी माता जी का नाम विमला जामवाल है। विद्युत अपने माता पिता की 3 संतानों में से एक है। अपने पिता के सेना में कार्यरत रहने के कारण और पिता की पोस्टिंग अलग अलग जगह होने के कारण विद्युत भारत के विभिन्न शहरों में गए हैं और रहे भी हैं। जामवाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा केरला के पलक्कड़ आश्रम से की है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में पिता की पोस्टिंग के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हिमाचल प्रदेश भारत में पूरी की है। इसके बाद विद्युत ने मल्टीकल आर्ट में स्नातक की उपाधि ली है। अपने पिता के केरला पोस्टिंग के दौरान इन्होंने केरला के पलक्कड़ के एक आश्रम में कलरीपायट्टू में प्रशिक्षण हासिल किया है। उस समय विद्युत की उम्र केवल 3 साल थी। ये प्रशिक्षण संस्थान उनकी माँ द्वारा चलाया गया था। बस यहीं से इन्होंने विभिन्न युद्ध कलाओं में शिक्षा प्राप्त की, ललक गई और उन्होंने कई रूपों में युद्ध कला में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके लिए विद्युत ने अनेक देशों की यात्रा भी की। विद्युत जामवाल कहते हैं कि कलरीपायट्टू मार्शल आर्ट्स की ऐसी कला है जो सभी मार्शल आर्ट्स का आधार है। मार्शल आर्ट्स में डिग्री हासिल करने के बाद जामवाल ने 25 से अधिक देशों की यात्रा की। यहाँ इन्होंने लाइव एक्शन शो में अपनी कौशलता का प्रदर्शन किया। विद्युत जामवाल ने वर्ष 2000 में ग्लैड रैंक्स में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लिया था जो कि एक मॉडलिंग मैगजीन के तौर पर काम करती है और प्रतियोगिता करवाती है। विद्युत 1996 में दिल्ली में एक मॉडल के रूप में काम करते थे और साथ ही साथ अभिनय की दुनिया में अपने पैर भी आजमा रहे थे, परंतु उन्हें कहीं से भी आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। इसी बीच उन्हें तेलुगु फिल्म शक्ति में काम करने का मौका मिल गया था और वो उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपनी पहली भूमिका निभाई। विद्युत मुंबई मार्शल आर्ट्स के लिए गए थे लेकिन जब उन्हें पता चला कि निशिकांत कामत फोर्स नाम फिल्म की शूटिंग के ऑडिशन ले रहे हैं तो वो वहाँ गए थे और ऑडिशन में सेलेक्ट भी हो गए थे। उन्हें फिल्म फोर्स में बेहतरीन भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष डेब्यू फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। फिल्म में विद्युत के फिटनेस, फाइट और बॉडी की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। विद्युत द्वारा किए गए जितने भी स्टंट हैं वो सच में कोई सफल प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। यही प्रतिमा उन्हें बॉलीवुड एक्टर से अलग करती है और उन्हें एक अलग और सफल पहचान भी देती है। बॉलीवुड फिल्म फोर्स तमिल फिल्म काका की रीमेक है। मार्शल आर्ट्स की विशेषज्ञता ने उन्हें सिनेमा की दुनिया में एक अलग ही पहचान दिलवाई है। उनके फाइट सीन सबसे हटके और रियल होते हैं जो उनकी फिल्मों को खास भी बनाते हैं। फिल्म फोर्स के लिए विद्युत जामवाल ने बेस्ट मेल डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। इसके बाद विद्युत ने एनटीआर साउथ के प्रसिद्ध अभिनेता के साथ 2 तेलुगु फिल्मों में शक्ति और ओसरवेली में सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। 2012 में विद्युत ने तमिल सिनेमा में अपना डेब्यू बिल्ला नामक फिल्म से किया था। इस फिल्म में अजय कुमार मुख्य अभिनेता के रूप में दिखाई दिए थे। उन्होंने सूर्या के साथ एक और तमिल फिल्म अजान में सहायक भूमिका निभाई है। विद्युत जामवाल शुद्ध शाकाहारी हैं। वर्ष 2018 में विद्युत ने पीटा अभियान के तहत उन्होंने कहा था कि किक द मीट हैबिट गो वेगन, मतलब कि मांस की आदत को लात मारो और शाकाहारी बनो। विद्युत के लव लाइफ की बात करें तो इनकी एक्स प्रेमिका मोना सिंह थी, वहीं अब इनकी वर्तमान प्रेमिका नंदिता मेहतानी है। नंदिता एक फैशन डिजाइनर है। विद्युत ने 1 सितंबर 2021 को नंदिता से सगाई भी कर ली है। ये बात बेहद कम लोग जानते हैं कि विद्युत जामवाल ने अपनी पढ़ाई के बाद मार्शल आर्ट्स में डिप्लोमा किया है और इसके बाद इन्होंने कई जगह अपने मार्शल आर्ट्स का टैलेंट भी दिखाया है।
फिल्मों में उन्होंने अपनी शुरुआत बैकग्राउंड डांसर के रूप में शुरू की थी और 2005 में इन्होंने इंसान फिल्म में बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम किया था। इसके बाद इन्होंने कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है जहां इन्हें काफी सफलता मिली है। हाल ही में विद्युत का नाम दुनिया के टॉप मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट की लिस्ट में शुमार हो गया है। विद्युत जामवाल ऐसे मार्शल आर्ट्स के दाव पेच खेलते हैं जिन्हें सिर्फ 100 में से 2 लोग ही कर सकते हैं और दुनिया में सिर्फ मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। विद्युत जामवाल कई जगह स्कूल कॉलेज में बच्चों को मार्शल आर्ट्स के प्रति जागरूक करते रहते हैं। अब अभिनेता विद्युत जामवाल की इनकम की बात करें तो इनकी कुल संपत्ति साल 2021 में 43 करोड़ है। विद्युत हर एक फिल्म में अभिनय के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। विद्युत जामवाल बॉलीवुड के मुख्य अभिनेताओं में से एक हैं, जिसकी वजह से इनकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी अच्छी है। इनकी इंस्टाग्राम अकाउंट पर 6.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। विद्युत 45 से 44 लाख रुपए प्रति एंडोर्समेंट वसूलते हैं। विद्युत महीने के 50 लाख रुपए से ज़्यादा और सालाना 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर लेते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको विद्युत जामवाल की बायोग्राफी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हम जल्द ही मिलेंगे फिर किसी अभिनेता, अभिनेत्री, किसी कलाकार की बायोग्राफी लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड बाय बाय।